एवरीवन, गाइस कैसे हो आप सब। आई होप यू गुड इन फाइन। सो वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। सो लास्ट व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हम बाबा परपाक सिंह डेरे हमने दर्शन किया एंड माथा टेका, तुली तट के नीचे स्नान किया। उसके बाद हम अमृतसर के लिए निकल पड़े थे और अमृतसर में हमने 2 या 3 दिन रुकना है। तो जितने भी नज़दीक गुरुद्वारा साहिब होंगे वहाँ पर हम माथा टेकेंगे। तो हम अमृतसर के लिए जा ही रहे थे कि रास्ते में हमने देखा यहाँ पर प्योर गुड़ मिल रहा है और साइड में यहाँ पर ना मशीन लगी हुई है जहाँ से जिसमें मतलब गन्ने का रस को डाला जाता है एंड फिर कैसे कैसे करके मतलब गुड़ बनता है, वो सारा पीछे है। और ये बाबा जी ने मतलब थोड़ी सी रेडी में स्टॉक रखा हुआ है। तो हमने खा के देखा, टेस्ट आ रहा है और इसकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है। मतलब कंपैरिजन जो दूसरे मतलब शॉप्स पे मिलते हैं उनके कंपैरिजन इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हम गुड़ परचेज़ कर रहे हो, शक्कर तो मैंने भी लिया और मासी जी ने भी लिया। तो हम अगेन निकल पड़े हैं अमृतसर के लिए। तो अमृतसर फाइनली हम पहुँच चुके हैं, बस जहाँ हमारा स्टे है वहाँ पहुँचना बाकी है। और थकान इतनी ज़्यादा हो रखी है ना कि मैं बता नहीं सकती। तो बस पहुँच के पहले कुछ खा लेंगे पी लेंगे, उसके बाद फिर सोना है, उसके बाद फिर उठेंगे, फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब आज गुरुद्वारे से अब जाएंगे या फिर कल जाएंगे, वो आगे का प्लान आगे देखेंगे। सो अगर आपको ये व्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो की वॉचिंग। सो फाइनली हम अमृतसर पहुँच चुके हैं और हमने रूम ले लिए हैं, 2 रूम लिए हैं। होटल का नाम है आम पैराडाइज। तो ये लोग एंट्री करवाने गए हुए हैं और मैं बैठी हुई हूँ। और अमृतसर गुरुद्वारे के बिल्कुल जो मतलब साथ में ही है कि हमें मार्केट भी मिल जाए, साथ में अगर हमें मत्था टेकना है तो हम आराम से मत्था भी टेक सकें। तो ये 2-3 दिन का स्टे है हमारा यहाँ अमृतसर में। सुबह हम चले थे, 8 बजे चले थे, इतनी नींद आ रही थी बता नहीं सकती, बड़ी नींद आ रही थी यार। कार से हमने अपना सामान शिफ्ट कर लिया रूम के अंदर और अब हम कर रहे हैं लंच, क्योंकि दोपहर में पहुंचे थे हम। तो यहाँ पर राइस मंगवाए हैं, जीरा राइस एंड शाही पनीर। तो मैं खा रही हूँ और सबने खा लिया, मेरी ना स्पीड थोड़ी कम है। और इसके बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट करना, आराम करना है, उसके बाद देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। सो 10:30 हो गए हैं रात के, हम लोग सो गए थे, रेस्ट कर रहे थे क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके हम थक गए थे। तो अब हम आए हैं अमृतसरी फूड स्ट्रीट में कुछ खाने के लिए। मेरा कुछ खाने का मन तो नहीं है, कुछ पीने का मन है ठंडा ठंडा। तो मैंने तो मंगवाया है ओरियो शेक और इन्होंने एक चाप मंगवाई है और अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाई है। तो हमने मंगवाई है एक अफ़गानी चाप और इसमें स्पाइसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। देखो खा के एक बारी। अचारी मसाला पाता सारा, अचारी मसाला पाता इधर। नहीं, अपने अफगानी चाप करवाई, उसमें इतना मसाला डाल दिया, इतना मसाला डाल दिया, एक्सेस नमक लग रहा था और ऐसा लग रहा था अचारी चाप बना कर दे दिया। फिर ऊपर से क्रीम डलवाई तब जाके थोड़ा सा ठीक हुआ है, मतलब खाने लायक। अपने लुधियाने की गल बात नहीं है ना, कितने भी काम तुम चल दो अपने लुधियाने से रेडी तो खा लो, इन्ना टेस्ट लगता है।
बहुत ज़्यादा बेकार था, बहुत ज़्यादा एक्सेस नमक था और मसाले थे, तो फिर सारा मूड ख़राब कर दिया। तो फिर लास्ट में सोचा कि चलो दूध पीते, बहुत ही फेमस है ये दूध अमृतसर में। और फाइनली हम अपने होटल में आ गए और ये रिसेप्शन है। हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आज सेकेंड डे है हमारा अमृतसर में और मैं नहा कर रेडी हो चुकी हूँ। तो नहाने के बाद मैंने ये वेयर किया है, ये वेयर करके नहीं मैं जाऊँगी गुरुद्वारे साहब, मैं जा रही हूँ सूट वेयर करने पिंक कलर का। अभी आयरन करवानी है तो बोला हुआ है बट अभी कोई आया ही नहीं। और हमने पहले उधर साइड रूम लिया हुआ था बट अभी हमने शिफ्ट किया है क्योंकि कल रात से वहाँ पर बिजली का इशू था, फ़ोन वगैरह चार्ज ही नहीं हो रहे थे तो फिर हमें शिफ्ट करना ही पड़ा। और यहाँ पर लाइटिंग भी ठीक है। अभी हम जाएंगे माथा टेकने, उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे। और मैंने हेड वॉश करके नहीं नहीं कर लिया। रात में ज़्यादा कुछ शूट कर ही नहीं पाई, थोड़ा 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 जो भी समझ में आया वो शूट हो पाया। चलो, अगर आप ये ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ये हमारा बेडरूम एंड ये यहाँ पर खिलारा जो मैंने डाल रखा है, ये मैंने सूट बाहर निकाल रखा है ताकि आएगा तो मैं आयरन फटाफट से करा दूँगी। ये कबर्ड के अंदर कपड़े रखे हैं, अभी मैंने ऐसे ही रख दिया क्योंकि निकालना फिर डालना फिर निकालना बहुत मुश्किल काम है। सीरम लगाना था अपने हेयर पे। चलो इसको बंद करते हैं, ठीक है। और ये चेयर यहाँ थोड़ा मैनेज करते हैं, और ये चेयर यहाँ पर। ब्रेकफास्ट में हम खा रहे हैं अमृतसरी नान छोले और साथ में चाय। अगर आप अमृतसर में आए हो अमृतसरी नान नहीं खाया तो आपने कुछ भी नहीं खाया। तो सुबह के 10 बज रहे हैं, अब हम घर से निकल गए माथा टेकने के लिए। ਤੈਨੂੰ ਫੋਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸੀੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ Thank you.
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ